الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَى मौत की बेहोशी हक के साथ आएगी यह है वो जिससे तू भागता था बजा सक्रतुल मौत, मौत की घशी, शिद्दत हक हक लेकर आ गई जिसको टाला नहीं जा सकता और जिससे बच के इंसान कहीं जा नहीं सकता गाली का माकुन दमिन तहीद ये मौत वही हकीकत है जिससे तू भागता था और दूर जाता था यहां पर आप देखें वजाअत आ गई अमूमन हम देखते हैं कि आखिरत से मुतलिक जितने अहवाल हैं उनका जिक्र माजी के सीगे में किया जाता है यानी कतई बात है ऐसे समझो हो चुकी यानी आ गई यानी जिससे खिताब किया जा रहा है वो तो भी जिंदा है लेकिन यानी आ जाएगी के मानो में है वजात और आ गई या आएगी मौत तोलोत सकर कहते उस हालत को जो इंसान की अकल को खत्म कर देती ऐसी सख्ती जो अकल जायल कर देती है ऐसी रागबिस्वहानी कहते हैं ये ऐसी हालत होती है जो इंसान और उसकी अकल के दरमियान हायल हो जाती है जैसे किसी नशा और मशरूब के पीने से इंसान की हालत होती है कि उसकी अकल पे पर्दा आ जाता है और यह वो गशी होती है जो तकलीफ़ से पैदा होती है तकलीफ़ जब हद से बढ़ती तो इंसान बेहोश हो जाता है होश चले जाते हैं तो यहां मुराद मौत की सख्तियाँ हैं सकरतुल मौत से मुराद मौत की सख्तियां मौत की सकरात यानी वो गशी जो मौत की तकलीफ से पैदा होती है क्योंकि रूह का खींचा जाना रूह का रौंदे जाना शदीद तकलीफ होना ये उसका हिस्सा है वो मौत आ गई मौत की बेहोशी बिलहक हक़ के साथ यानी मौत की बेहोशी तारे होते ही इंसान को आखरत की हकीकत नज़र आ जाती है वो आज तक जो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता था या फरिश्तों के बारे में किसी शक् व शबा का शिकार था मौत का फ़रिश्ता आता है तो वो उसको नज़र आता है तो अब हकीकत खुल के सामने आ गई ना ज़ाले का माँ कुन तमिन तहीद ये थी वो चीज़ जिससे तू भागता था ये जिसको तू स... जिसका तू सोचना नहीं चाहता था जिसके बारे में तू ख्याल नहीं करना चाहता था और किसी न किसी दर्जे में हर इंसान के अंदर ये बात होती है कि मौत के जिक्र को पसंद नहीं करता मौत के जिक्र से भागता है अगर कोई चीज करते हुए उसको मौत याद आ जाए तो ख्याल झटक देता अच्छा अभी तो जिंदा है ना अभी तो दुनिया में पहले दुनिया के काम कर ले तो यह तहीद हाद यहीद उससे एक तरफ को हो जाना यानी मौत इंसान के ऊपर सब हकायक का इंकशाफ कर देती है जो आज तक उस पर छुपे हुए थे गैब के पर्दे में थे और इंसान जो सोच नहीं पाता था कि मौत के बाद क्या होगा ये बुरा अंजाम जिससे उसे डराया जाता था वो सब कुछ उसके सामने आ जाएगा तो मौत जो है वो हक्कुल यकीन लाती है जिस इंसान को जन्नत की बशारत दी गई वो बशारत उसको सुख मिल जाती है यानी नेक आमाल करने वालों को और बुरे आमाल वालों को जो, जो जहन्नम से डराया जाता है तो वो चीज़ें उसको नज़र आने लगती हैं और मौत जो है वो बरहक है और मौत की सख्तियाँ जो हैं ये दुनिया और आखरत की तकलीफ़ों में से बहुत बड़ी तकलीफ़ है शद्दाद औस कहते हैं कि मौत दुनिया और आखरत में मोमिनों पर बहुत हौलनाक मुसीबत है मौत आरीओं के चीरने से भी ज़्यादा सख्त है कैंचियों के काटने से भी ज़्यादा शदीद है हांडियों में किसी चीज़ के जोश खाने से भी ज़्यादा सख्त है अगर किसी आदमी को दोबारा ज़िंदा किया जाए फिर वो दुनिया वालों को मौत की तकलीफ़ के बारे में बताए तो लोग अपनी जिंदगियों से फ़ायदा ना उठा सकें और नींद से लज्जत हासिल न कर सकें सो ना सके तो मौत के वक्त तीन तरह की सख्तियाँ होती हैं एक रूह खींचने की सख्ती जो घुट घुट के सांस आ रहा होता है आप देखिए किसी भी वजह से अगर सांस बंद होने लगे हमारा कितनी घबराहट होती है और कितनी तकलीफ होती है दूसरा यह कि मौत के फरिश्ते की सूरत देख के खौफ पैदा होता है अगर वो भयानक शक्ल में आया हो अगर इंसान के अमल अच्छे ना हो और फिर इंसान तीसरी चीज यह कि उन फरिश्तों को भी देखता है जो उसकी हिफाजत में मामूर होते हैं या उसके अमाल लिख रहे होते हैं जी यानी जो जो फरिश्ते उसके आसपास होते हैं हमारी हिफाजत एक तो करामन का भी एक करीन है और हमारी हिफाजत के लिए भी फरिश्ते मुकर हैं तो ये सब नजर आने लगते हैं इंसान को उसकी वजह से इंसान यानी कि ओवरवे फील करता है ना आप सोचिए कि दुनिया आपकी आंखों से ओझल होने लगे आप उससे लातालुक होने लगे और ही चीजें नजर आने लगे और बास यानी ये तजुर्बे की बात है कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है किताबों में लिखी हुई नहीं है लेकिन यानी कुरान और सुन्नत में कहीं मिलती नहीं लेकिन बहुत दफ़ा ये बताया जाता है कि मरने वाला जिक्र करता है कि बहुत लोग आए हुए हैं और जगह बनाओ और मेहमान आ रहे हैं और अभी रिसेंटली किसी की डेथ हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी वो, शायद वालदा थी या जो भी थी कि वो कह रही थी कि तुम उठ जाओ यहाँ से वो देखो वो औरत खड़ी है उसको बैठना है यहाँ तो उसको जगह दो फलां को जगह दो यहाँ तो उसने कहा यहाँ तो कोई नहीं कहते मुझे नज़र आ रहे हो देखो तो सही तो मरने वाले बाजू का ऐसी बातें भी करते हैं और ये अक्सर सुनी भी गई हैं मौत के तजुर्बे के बाद कि लोग क्या बातें करते हैं जान निकलने से पहले बाज़ लोग मुस्कुराते हैं बाज़ लोगों के कमरे में खुशबू फैल जाती है बज़ लोग खौफ का शिकार होते हैं हर एक की कैफियत उसके अमाल के मुताबिक ही होती है हकीकत वल्लाह तो ही जानता है और फिर इंसान के पाँव से जान निकलना शुरू होती है कुरान मजीद में आता है पिंडली से पिंडली जुड़ जाती है वलतफ इस साख और फिर आहिस्ता ऊपर तक आता जाता है के आखिर में हंसली तक जान पहुँच जाती है फ़लऊलाइजा बलगत हल्कूम हलक तक जान आती है और फिर उसके बाद एकदम बाहर निकल जाती है मौत के फक्त जो फरिश्ते आते हैं वो ालमों के साथ बहुत सख्त सलूक करते हैं उनको उनकी तरफ हाथ फैला के कहते हैं निकालो अपनी जानें। आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा उसके बदले जो तुम अल्लाह पे नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयत का तकबर करते थे नाफरमान लोगों को फरिश्ते मारते भी हैं फ़ैई फ़ैज़ा तवफ़त हूँ कद रिबू न मोहम्मद में आता है फिर उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करेंगे तो उनके चेहरों और पीठों में मार रहे होंगे ये इसलिए कि वो ऐसी बात के पीछे लग गए जिसने अल्लाह को नाराज कर दिया और उसकी रजा को उसने पसंद ना किया तो अल्लाह ने उनके सारे अमाल जया कर दिए जान निकलने की कैफियत क्या होती है तकलीफ क्या होती है इसके बारे में साद ने अपनी किताब में बयान किया वो कहते हैं कि उमर बिन आस अमर अब्न अलास कहा करते थे कि मुझे ताजुब है उस शख़्स पर जिस पर मौत नाजिल हो जाए और उसकी अकल भी काम कर रही हो वह उसको बयान क्यों नहीं करता हमें बताता क्यों नहीं कि वो किस कैफ़ियत से गुजर रहा है तो जब उनकी मौत का वक्त आया तो उनके बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा जान आप कहा करते थे तजुब है उस आदमी पर जिस पर मौत नाजिल हो और उसकी अक्ल भी काम कर रही हो तो वो मौत की हकीकत को क्यों नहीं बयान करता तो आप हमारे लिए इसको बयान करें उन्होंने कहा अः बेटे मौत इससे बड़ी है कि इसको बयान किया जाए लेकिन मैं कुछ हाल बयान करता हूँ मुझे ऐसे लगता है मेरे गर्दन पर रिजवा पहाड़ रखा हुआ है और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पेट में कांटे हैं मुझे ऐसे लग रहा है गोया मेरी रूह सुई के नाके से गुजर रही है सुई के सुराख से निकल रही है बहरहाल मौत की सख्तियाँ हर इंसान पर मुख्तलिफ़ होती हैं किसी पे हल्की होती हैं किसी पे ज्यादा होती हैं लेकिन काफरों पे बहुत शदीद होती है कि फरिश्ते उनको मारते भी हैं और बाज मार के निशान तक भी देखे जाते हैं इसीलिए कहते हैं कि अगर मुर्दे को नहलाते हुए कोई ऐसे खास निशान नजर आए तो बयान नहीं करना चाहिए उसका ऐप ढांकना चाहिए तो नेक बंदे और बतबख्त बंदे की मौत में भी फर्क होता है मौत अगचि मोमिन पे भी भारी होती है मगर इतनी नहीं जितनी फासे को फाजर इंसान पे होती है अम्बिया ने भी मौत की शिद्दत को महसूस किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त एक बड़े प्याले में पानी एक बड़ा प्याला था या चमड़े की थैली थी जिसमें पानी था आप अपने दोनों हाथ उसमें डालते और फिर अपने हाथों को चेहरे पर मलते और फरमाते ला 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 मौत की सख्ती होती है और फिर अपना हाथ उठाकर आपने फ़रमाया बिर रफ़ी क़िर फिल्र, रफ़ी फिल्र, कल आला हज़र ताशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की वफ़ात हुई तो आप मेरी हंसली और ठोड़ी के दरमियान सर रखे हुए थे जब से मैंने आप पर मौत की सख्ती देखी है उसके बाद मैं किसी पर मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती मौत बहरहाल हर एक को घबरा देने वाली होती मौत का जिक्र जो है उसका उसके अंदर एक घबराहट होती है मोमिन के लिए मौत की सख्ती क्यों होती है ताकि उसके सारे गुना माफ हो जाए और उसके दर्जा बुलंद हो जाए की सख्ती मरतबे के कम होने पर दलालत नहीं करती कि किसी का दर्जा कम है बल्कि वो मोमिन के लिए या तो उसकी नेकियों में इजाफा करती है या उसके गुनाहों का कफारा करती है तो इससे पता चलता है कि मौत की सख्ती हो या कब्र की सख्ती हो या आख... जन्नत से पहुंचने तक पहले जो भी पुलसरात के ऊपर से गुजरना हो ये सारी चीज़ें उसके गुनाहों का कफारा कर देती हैं तो इंसान को खुद तोबा इस्तगफार भी करते रहना चाहिए ज़िंदगी में सदका खैरा करते रहना चाहिए नेक कामाल करते रहने चाहिए ताकि इन सख्तियों के साथ कफारा ना हो उससे पहले ही नेक एक के साथ गफ्ारा हो जाए जी हाँ ये भी अल्लाह को पता है कि उनकी सारी ज़िंदगी की हो सकता है नेकियां उस वक्त उनके काम आ जाए और क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानते उन्होंने अगर जिंदगी में कोई अच्छे काम किए होते हैं तो ज़िंदगी में उनको बदला मिलता रहता है उन अच्छे कामों का हती के अगर कुछ बच भी जाते हैं तो मौत के वक्त उनकी मौत आसान कर दी जाती है तो ये असल में गैब के इल्म से ताल्लुक़ रखता है कुछ कह नहीं सकते लेकिन इंसान को दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी मदद करे उन सख्तियों पर और हमें उससे बचाए हमारे लिए मौत को आसान कर दे तो के के जरूरी नहीं।, नहीं नहीं पता चलता लेकिन जिसके ऊपर आती है उसको तो पता चलता है जैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हुए कहते हैं जब मोमिन के दर्जात में से कुछ बाकी रह जाता है यानी अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बुलंद है मगर उसने अभी उतने काम नहीं किए और वो अपने अमल के जरिए जन्नत के उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाता तो उस पर मौत की सख्ती को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो मौत की सख्ती और उसकी मुसीबत की वजह से जन्नत में उस दर्जे तक पहुंच सके अल्लाह से मानो तला मोमिन को मौत की तकलीफ नहीं देना चाहता लेकिन बंदे ही के फायदे में होती है वो तकलीफ भी मोमिन मौत के वक्त जब अच्छे फरिश्ते देखता है तो अल्लाह से मुलाकात का शौक जाहिर करता है इसी के बारे में आता है जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह ताला भी उससे मिलना चाहता है और जो नहीं पसंद करता अल्लाह ताला भी उससे मिलना नहीं चाहता मोमिन जान निकलते वक्त भी अल्लाह की तारीफ कर रहा होता है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है अल्लाह की हम बयान कर रहा होता है ये उसी वक्त हो सकता है जब अपनी जिंदगी में भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें रहे हाल हसन बसरी कहते हैं मोमिन के लिए राहत सिर्फ अल्लाह की मुलाकात में ही है जिसकी राहत अल्लाह की मुलाकात में हो तो उसकी मौत का दिन उसके लिए खुशी का दिन होता है अमन और इज्जत और शरफ का दिन होता है पेशानी पे पसीना आना जो है ये अच्छी अलामत है मोमिन इन्हीं अच्छी मौत की अलामत है मरते ही सलामती और जन्नत की बशारते इंसान को मिलने लगती हैं सलाम अलगुम उदहुल जन्नत बिमाकुन तुम तालून व नाहल में आता ना अल्लीन तवाला जो लोग पाक सीरत होते हैं फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर जो अच्छे अमल तुम करते रहे उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ या आय तो हन्नफ सुमुतम इर्जेलाब किरा दिया तम मर दिया फद खली फ़ी इबादी वद खुली जन्नति अल्लाह हमें भी ऐसे ही आवाज़ आए इसी तरह सूरत अलवा में आता है फ़ अम्मा इनका नमिन अलमकरबीन फ़ रऊन व व रीहा न व जन्नत नईम व अम्मा मिन असहबिल फ़लाम यमीन फ़रिश्ते सलाम।, सलाम करते हैं आकर जन्नत से लेकर आते हैं कफ़न रूह के लिए हनूत लेकर आते हैं ख़ास खुशबू वो रूह लगा के और उसको उसमें लपेट के ले जाते हैं और जिसम फिर दुनियावी एतबार से धोया जाता है और फिर उसको कफन पहनाया जाता है खुशबू लगाई जाती है लेकिन जो गैर मोमिन होता है उसकी मौत जो है वो सख्त होती है उसको उस वक्त फरिश्ते कहते हैं फत खुल अबाब जहन्ना खालिदी नफीहा यदरिबू नजूह और आकर उसको कहते हैं अये नफ्सुल खबीसा जी, यानी ए खबीस नफ्स अल्लाह की नाराजगी और रोस्से की तरफ चलो इसीलिए पर काफिर अल्लाह की मुलाकात को नापसंद करता है खबीस रू से इंतहाई बदबू उठती है आसमान के दरवाजे नहीं खुलते जीन में फेंक दिया जाता है तो वजह असक रतुलक जालि कमा कुमिन तहिद ये है जिससे तू पहलू तही करता था कन्नी कतराता था अपनी समत बदल देता था दूर भागता था हैद कहते ना किनारा करने को हाद यानी हसन कहते हैं इसका मतलब है जिस मौत से तू भागता था वो आज आ गई जिसको इब्ने अब्बास कहते हैं इसका मतलब है जिससे जिसको तू नापसंद करता था तो बहरहाल हर जान ने मरना है कुल्लफिन कोई भी बच नहीं सकता कुलियत वफा कुमक वुक मौत का जो फरिश्ता तुम पर मुकरर किया गया वो तुम्हारी जाने कब्ज कर लेगा मौत से फरार मुमकिन नहीं न मातकून जहां भी होगे पकड़ लेगी वाली यू अखिरल्ला नफसनिजा डील भी नहीं मिलेगी देर यानी को टाइम और दिया भी नहीं जाएगा और मौत इंसान को घेरे हुए है वक्त और जगह भी मुकर है इंसान को खुद नहीं पता ला तदरी ये सुन तमूत तो करने के काम क्या है कि जो चीज यकीनी है जिसमें कोई शक ही नहीं उसकी तैयारी की जाए नहीं इस दुनिया की ये सारी तैयारियां ना करें बल्कि मरने के बाद के लिए तैयारी करें और वही अक्लमंद इंसान है और वो तैयारी किससे होगी खैर के काम करके जिंदगी की कदर करके आज अमल का वक्त है पस्त बिकल खैरत नकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो यह ना देखो वो भी नहीं कर रहा वो भी नहीं कर रहा तो मैं ही रह गई हूं कोई ना करे तो तुम आगे बढ़ के करो मिसाल बनो मौत का जिक्र कसरत से करना चाहिए ताकि तैयारी होती रहे मौत को करीब समझना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपनी नमाज के लिए खड़े हो तो आखिरी नमाज समझ कर अदा करो को, कोई तो आखिरी होनी है ना हो तो नहीं है ना कब्रिस्तान को भी कभी-कभी विजिट करना चाहिए और अच्छी मौत की दुआएं भी करनी चाहिए यूसुफ अलै सलाम की दुआ तवफ़्फ़नि मुस्लिमा व अलहिकनी बिल صالحین अहियनी मालूमतल हयात खैरा ली व तवफ़्फ़नि जालिमतल वफ़ात खैरा ली व जिलिल हयात जियादत ली मिन कुल फी कुल खैर व जिलिल राहत ली मिन शर और फितनों के बग़ैर मरने की दुआ करनी चाहिए बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए और इस बात से कि शैतान हमारे पीछे पड़ जाए उस वक्त अहतनीत शैतान मौत बुरी बीमारियों से भी पनाह मांगनी चाहिए उम्र से पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में शहादत की दुआ करनी चाहिए नेक लोगों के साथ फौत होने की दुआ करनी चाहिए वह तवफना माल अबरार रबी हबलीम अल्लाह दुनिया में भी और आख़रत में भी नेक लोगों का साथ दे रफ़ी के आला से मिलने की दुआ करनी चाहिए अलहफिरली वरि वी बफ़ी फिर नंबर बी से आयत वनुफिस योम और सूर में फूंका जाएगा यही अजाब के वादे का दिन है यही अजाब के वादे का दिन वईद का दिन है यहां सूर फोंके जाने से मुराद दूसरी दफा का सूर फोंकना है ठीक है और ये भी आप देख रहे हैं माजी का सीखा है नूफिका समझो फूक दिया गया हो गया और वईद का लफ्ज़ ना अजाब के लिए बोला जाता है और वादे का लफ्ज सवाब के लिए बोला जाता है तो यहां सिर्फ वईद का जिक्र किया गया ताकि उस दिन की होलनाकी को समझ सके फसूर फूकने के साथ होलनाकी भी है दाल उल क्या है हदीस में आता है ये एक सीन है जिसमें कयामत के दिन फूक मारी जाएगी सूर फूकने वाला फरिश्ता जो है हर वक्त अल्लाह के हुक्म से उस कान लगाए हुए है अल्लाह के हुक्म के लिए कान लगाए हुए है निगाहें अर्श की तरफ हैं कि किस वक्त मुझे हुक्म मिले और मैं सूर फूंक दूँ और एक जिम्मेदार फरिश्ता है ये और इस बात से डरता है कि कहीं उसकी निगाह इधर उधर ना हो जाए थोड़ी देर के लिए मैं गाफिल ना हूँ फिर यह कि सूर अचानक फूंका जाएगा जुमा के दिन होगा और दो यानी वैसे तो बाज़ लोग कहते हैं तीन सूर फूके जाएंगे लेकिन राजे राय यही है कि दो सूर होंगे एक नफकतुलफा जिसको सुन के सब घबरा जाएंगे मर जाएंगे सायक भी उसको कहते हैं और दूसरा नफकतुल्बा जब सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे हसन बसरी इस शायद से मतलब निकालते हैं यो मतरजुर राजफा तत बहुर राफा यह दो नफखों का जिक्र है पहला जिंदों को मारने के लिए और दूसरा मुर्दों को जिंदा करने के लिए होगा भी, भी कहते हैं कि सही यही है कि सूर में दो मरतबा फूंक मारी जाएगी तीसरी फूंक नहीं है और इसकी अपनी हौलनाकियां हैं सूर की शिद्दत है और बगैर वक्फे के सूर फूका जाएगा यानी एक ऐसी आवाज होगी कि जब तक सब बेहोश नहीं हो जाएंगे मर नहीं जाएंगे उस वक्त तक वो रुकेगी नहीं और फिर उसके बाद कि भी और सारे फरिश्ते सब खत्म हो जाएंगे आवाज इतनी शदीद होगी कि आवाज से लोग हलाक होंगे फिर दो फूके जाने के दरमियान दूसरी फूक कब होगी जब लोगों को जिंदा करना मकसूद होगा इसके दरमियान चालीस का फासला है नहीं पता दिन है या साल है दूसरी बार सूर फूकने से पहले बारिश होगी फुहार की तरह की या साय की तरह की जिससे इंसानों के जिस्म उगाएंगे और फिर दूसरी बार फूक मारी जाएगी तो सब लोग की रूह वापस आ जाएगी जिस्मों में और सब उठ खड़े होंगे तो दूसरा सूर लोगों को जमा करने की वजह से होगा हुम जमा हम जमा सबके सब खड़े हो जाएंगे कोई एक भी कहीं छुप नहीं सकेगा एक ही डांट से सबको उठा दिया जाएगा लोग ग्रोह दर ग्रोह उठ रहे होंगे क्या मत कायम हो जाएगी हिसाब किताब फिर शुरू होगा जब हिसाब किताब शुरू होगा तो क्या होगा वजह न म सायकुम व शहीद और हर शख्स आएगा उसके साथ एक हांकने वाला और एक गवाही देने वाला होगा हर शख्स के साथ दो लगे हुए होंगे दो फरिश्ते उसको हशर की मैदान की तरफ हांक के ले जा रहे होंगे और उस यानी कि एक उसको सायक कहते हैं पीछे से धकेलने वाले को पीछे से उस, गाड़ी चलाने वाले को भी सायक या सवाक कहते हैं क्योंकि इंजन आगे होता है और वो पीछे होता है उसके धकेल तो रहा होता है उसको तो एक है सायक और दूसरा है शहीद शहीद कहते हैं गवाह को यानी एक धकेल के ला रहा होगा और दूसरा गवाह ही देने वाला होगा जो भी उसने अमाल दुनिया में किए अच्छे या बुरे और इसमें हर शख्स होगा नेक बात सब के सब वजाह कुल्ल नफ्सिन हर इंसान आएगा हर बशर और जिन भी उस किताबें हैं क्योंकि कुल्ल नफ्स है ना तो नफ्स में आबन आदम भी हैं और जिन भी हैं, दहाक कहते हैं सायक फरिश्तों में से होगा और शहीद इंसान की अपनी जानों में से हाथ पांव वगैरह होंगे शहीद। हसन और कतादा कहते सायक चला के ले जाएगा और शहीद अमल की गवाही देगा इब्न मुस्लिम कहते सायक शयातीन में से होगा और इसलिए उसको सायक कहते कि लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे अगर ची उनको चलने पर उकसा, नहीं उकसाएगा मुजाहिद कहते हैं सायक और शहीद दोनों फरिश्ते हैं एक कौल यह भी है कि सायक फरिश्ता और शहीद अमल है और एक कौल यह कि से मुराद बुरे अमाल लिखने वाला फरिश्ता और शहीद से मुराद नेक अमाल लिखने वाला फरिश्ता है बहरहाल जो राजे राय है वो यही है कि दोनों फरिश्ते होंगे और जो ही इंसान कबर से निकलेगा ना वो तो पकड़ लेंगे उसको चलो चलो हशर की तरफ कहां कोई भागेगा हर कोई मर के जमीन में जा रहा है और जमीन फटेगी और सब निकलेंगे और निकलते ही पकड़े जाएंगे जैसे कोई किसी को अरेस्ट कर ले और वो कहीं इधर उधर नहीं भाग सकेंगे चुप जाएं या कुछ करें अब तो पेशी है यानी मुजरिम भी हाजिर है और उसके खिलाफ सारी शहादतें भी मौजूद है तो ये अल्लाह तला का कमाल अदल और इंसाफ है कि इंसान के जो अमाल रिकॉर्ड करवाए हैं वो उसके साथ फिर उसको गवाही देने वाले भी होंगे बसरु कलियदीद बिला शुबा यकीन तू इससे बड़ी गफलत में था तो हमने तुझसे तेरा पर्दा दूर कर दिया तेरी निगाह आज बहुत तेज है यानी इंसान आज जो तू कुछ जो कुछ तू देख रहा है इसके बारे में तू काफिल था तो हमने ये सूर फोंक के और ये सब कुछ कायम करके अब तेरा पर्दा हटा दिया तुझे तो सारी हकीकत नजर आ रही है तेरे दिल का पर्दा हट गया वो कहते थे ना हमारे दिल खिलाफों में सब पर्दे हट गए अब और तुम्हारी निगाह भी बड़ी तेज है हदीद और यहां गफलतिन आया है तनवीन के साथ यानी बहुत बड़ी गफलत इंसान से मुराद कौन है इंसान से मुराद यहां काफिर और मुशरक है लेकिन उसके बाद जो भी कोई गफलत में मुबतला हो और आखरत को भूला हुआ हो और एक हकीकत है कि बहुत से लोग दुनिया में रहते हुए दुनिया की फिक्र ज्यादा करते हैं आखरत के लिए बोले हुए आखरत से काफिल हैं उसकी एक बुनियादी वजह लाइलि है पता ही नहीं आगे क्या क्या होने वाला है ईमान की कमजोरी है बलिदार का इल्म हम फिल आखिर आखरत के बारे में उनका इल्म गुम हो चुका है बल हम फी शक मिन बल्कि वो उसके बारे में शक में पड़े हुए हैं बलह मिनह अमून बल्कि वो इससे अंधे हैं कुछ फिक्र नहीं आखरत की सूरतिया में आता है तरबल इन्ना से हिसाब हम वह हम फी गफलतम मोरदून लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं लंबी लंबी आरजुए हैं ये कमाएंगे ये खाएंगे ये घर बनाएंगे अब यहां इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे लेकिन आखिरत के लिए इन्वेस्ट करने का वक्त ही नहीं है दुनिया की मोहब्बत में खोए हुए हैं या लमून मिनल हयात दुनिया दुनिया की लालच और हिरस ने इंसान को अंधा कर रखा है दुनिया की जिंदगी पे मुतमिन बैठे हैं वजूबिलहयात दुनिया वतमानुब्या दीन को खेल तमाशा बना रखा है दुनिया को आखरत पर तरजीह दे रहे हैं दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं रसूल अल्लाह सल्हलम ने फरमाया जिस शख्स का मकसद और उसकी हिरस दुनिया हो और वही उसका हदफ बन जाए और वो उसी की नीयत करता हो तो अल्लाह उसकी आँखों के सामने उसका फकर कर देते हैं फ़कर फाक़ा उसको दिखाते रहते हैं और इंसान इसी फिक्र में रहता है मेरा क्या बनेगा कहाँ से कहा और उस पर उसके मामला बखेर देते हैं और उसको उतना ही मिलता है जो उसके लिए लिख दिया गया हो और जिस म, और जिस शख्स का मकसद हो उसकी हिरस आखरत हो और वही उसका हदफ हो और वो उसकी नीयत रखता हो तो अल्लाह ताला उसके दिल को गनी कर देते हैं उसके मामलात को यकजा कर देते हैं दुनिया उसके पास जलील होकर आती है तो जो आखरत की फिक्र करता है वो, वो अपनी ज़िंदगी को बेकार कामों में ज़ाया नहीं करता वो ख़्वाहिशात के पीछे नहीं लगा रहता तो इस गफलत के बड़े नुकसान हैं आखरत के बारे में बेखबरी लामी सोचना ही नहीं तो नहीं करना फिक्र ही नहीं करना तैयारी नहीं करना तो उससे क्या होता है कि फिर इंसान इंसान पे बुरे साथी ही मुसलत हो जाते हैं वह मई या आशवान फिक्रहमान नुक़ लहू शैतान फह हुआ लहू करीन शैतान उसका दोस्त बन जाता है वह इन नुम लुम अनस्बील और वो उसको सही रस्ते से रोकते हैं ऐसे लोगों के लिए आखिरत में हसरत ही हसरत होगी काश हम अपने वक्त को इस्तेमाल करते सही चीजों में कुछ कमा लेते तो दुनिया में भेजे जाने का मकसद इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम आए क्यों हैं? नेक सोहबत इख्तियार करनी चाहिए दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना चाहिए दुनिया को मसला नहीं आखिरत को मसला समझना चाहिए अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करना चाहिए अपनी ख्वाहिशात का खुद मुकाबला करना चाहिए और गफलत से पनाह मांगनी चाहिए वो तो दुआ है ना अल्लाह मैनी जुबनी बुख लीवल हराम वल कसमति वालफलती वती बहुत खूबसूरत दुआ है फकशफ ना अनका गता अकफा बसरु कलियो महदीद हमने तेरी आँखों से पर्दा हटा दिया आँखों से यानी गफलत का पर्दा ऐसा था कि जिससे उसको कुछ नजर नहीं आता था फरु का का लियो महदीद तो तुम्हारी निगाह जो है यानी एक गिता है और एक बसर है तो तुम्हारी निगाह बहुत तेज हो गई तो मौत के बाद जब हकीकत खुलेगी तो इंसान को हर चीज की खूब समझ आएगी ये सब कुछ क्यों कहा गया ताकि बंदों के लिए एक डरावा हो वकाल करीन हो हाजा माल दैया अतीत और उसका देखिए इंसान को वहां ना हसरतें जो होंगी ना एक एक लम्हा एक एक दिन एक एक वक्त याद है कहाश में यहाँ कुछ कर लेता कभी कभी ना इस तरह इमेजिन किया करी ये चीज़ मुझे मुझे बहुत फ़ायदा देती कि इंसान सोचे कि अब मैं मर चुका हूँ अब हिसाब किताब का दिन अब मैं क्या चाहूँगा क्या करूँ क्या चाहेंगे हम वापस आए यहाँ और कुछ कर लें यही चाहेंगे ना फिर मैं आंखें खोलती हूँ फिर मैं कहती हूँ हाँ मेरे पास तो वक्त है कुछ कर सकती हूँ क्या करूं समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या करूं अच्छा अल्लाह ताला तू समझा दे तू राह दिखा दे फिर अल्लाह से मांगते हैं क्योंकि वरना यहाँ भाई आकर भी, भी इंसान स्टक हो जाता है कुछ समझ नहीं आता अब क्या करूँ कन्फ्यूज़ हूँ नहीं कन्फ्यूज़ नहीं रहें अल्लाह से रास्ता मांगे दिन फिर कितनी खूबसूरत दुआ एह दिन अस्से रात अलमुस्त अल्लाह जो तुझे पसंद है वो करवा ले तो इससे फिर ये कि इंसान अल्लाह के, अल्ला के फजल से अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है वरना तो दुनिया के मसरूफियात दुनिया की रौनकें दुनिया के रंगारंगी लोगों की हमसे ज़रूरतें हमारी उनसे ज़रूरतें अपने अंदर इतना उलझा देती हैं और फिर ये कि कॉन्स्टेंटली क्लॉक पे देखा करें किस काम को कितना वक्त लगा दिया मैंने क्या ये इतना डिजर्व करता था कि मैं इतना वक्त इस पर कुरान पढ़ते हुए तो हम जरूर घड़ी देखते रहते हैं अच्छा और कितनी देर अब हो? लेकिन दुनिया के काम करते हुए घड़ी नहीं देखते कि इस बस इस वक्त तक करना है इससे आगे मुझे अब कुछ और करना है तो अपना मुहासबा जब तक खुद नहीं करेंगे उस वक्त तक हा, मसला हल नहीं हो सकता वकाल करीन हाद मा लद अतीत उसका साथ ही फरिश्ता कहेगा ये है जो मेरे पास तैयार है यानी वही जो सायक और शहीद है ना जो और ये भी कहा गया कि वो फरिश्ता जो अमाल लिखने वाला और गवाही देने वाला है वो कहेगा ये है इसका अमाल नामा मेरे पास रिकॉर्ड तैयार है और यह भी कहा गया कि इससे मुराद शैतान है कि मुझे जिस इंसान पे मुसलत किया गया था मैंने उसे आज जहन्नम के लिए तैयार कर दिया हा जाम अदिया अतीत ये बिल्कुल तैयार है आप जहन्नम में गिरने के लिए तो वो करीन जो उसके साथ ही कब्र से एक मान ये लिया गया कि वो करीन या तो खाल करीन हु है ना तो करीन कौन है यहाँ या वो फरिश्ता जो आदमी के साथ दुनिया में लगा होता है उसके नेक बद अमाल लिखता है तो इस सूरत में तफसीर क्या होगी कि वो फ़रिश्ता कहेगा वो आदमी और उसके अमाल जिसके पीछे अल्लाह तूने मुझे लगाया था ये हाजिर है या करीन से मुराद वो शैतान है शुरू में हम पढ़ चुके हैं ना ये शैतान भी एक करीन है और एक फरिश्ता करीन है या फकर से मुराद वो शैतान है जिसे दुनिया में उसका साथी बना दिया गया था कि उसे गुमराह करे तो सूरत में वो कहेगा कि जिसके पीछे आपने मुझे लगाया था या अब ये हाजिर है हाज़ा तो याद रखिए हर उम्मत को उसके अमाल नामे की तरफ बुलाया जाएगा और फैसले के लिए अमाल नामा सामने रखा जाए गवाहों को बुलाया जाएगा सूर्य जुमर में आता है ना वह अशर कतिल अर्द रबा और, अपने रब के नूर के साथ हो जाएगी। और लिखा हुआ किताब सामने रख दी जाएगी किताब अमाल और नबी और गवाह लाए जाएंगे और उनके दरम्यान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और जुलम नहीं किया जाएगा तो ये नाम अमाल जो है वो हमारे सामने आ जाएगा और सारे अमाल सामने आएंगे जो भी अच्छा बुरा किया और यूनब उल इंसान योम इज़म बद्दम व अख़र इंसान को बता दिया जाएगा जो उसने आगे भेजा जो अच्छे अमाल करके भेजे जो पीछे छोड़ा नहीं किए ग हो गया उनसे जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कें अमानतें पूरी नहीं कं लोगों के साथ वादे पूरे नहीं किए वो सब पीछे और इंसान को क्या कहा जाएगा इकरा किताबक कफ़ा बिन से कल योम अली का हसीबा अपनी किताब पढ़ो अपने लिए तुम खुद ही गवा बतोरे मुहासिब काफी हो यानी अपने हिसाब लेने वाले तुम खुद ही काफी हो तो उस वक्त इंसान सोचेगा गुजरे हुए लम्हात याद आएंगे कि आखिर जब अमल का वक्त था तो मैंने अमल क्यों ना किया मैंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल क्यों ना किया मैंने अपने माल को सही इस्तेमाल क्यों ना किया हुक्म होगा अल्किफी जहन्नम कुल्ला ना नानीद जहन्नम में फेंक दो तुम दोनों हर जबरदस्त नाशुकरे को जो बहुत इनाद रखने वाला था ये अलकिया का लफ्स यानी अल्ला सुबहान तआला फरमाएंगे उन दोनों फरिश्तों को जो हाँक के लाए और गवाह बन के अब इसको पकड़ के जहन्नम में डाल दो एक तो तस्निया का माना अगर ये लिया जाए अलकिया और अरबी जबान का एक कायदा है कि जब किसी चीज को ताकीद से दो बार कहना हो तो उस लिए भी तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है जैसे Uh, सुमर जेल बसारा बस कर रहा था इन कर रहा था इनका पता है दो बार देखो तो इसका ये मतलब नहीं कि दो बार देखो मतलब ये कि एक से ज्यादा बार कसरत के लिए भी आता है और ऐसे वजह से हम कहते हैं ना डालो डालो दो दफा क्यों कहा हमने डालो डालो क्या एक दफा काफी नहीं था डालो कि क्यों दो दफा क्यों एम्फिसिस के लिए यानी अगर हम कहते ना डालो इसको वो भी ठीक है लेकिन डालो 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 छोड़ना नहीं डालो डालो इसको तो ये इंटेंसिटी के लिए तो ये यह अल्किया फी और ये भी इसको एक किरात में पढ़ा गया अल्किया अल्कि नून तो ताक़ीद का जो होता है ना लाजमन डाल दो यानी इसको जहन्ना में डाल दो कुल्ला कफ्फारन हर कफ़ार को कफ्फ़ार कहते हैं वह शख्स जिसके दिल में कुफ़ुरसक हो गया और ये मुबालग कसी का है जैसे नजार हद्द और नाशुकरा भी माना होता है सख्त नाशुकरे को अनीत जो जिद्दी हो मुखालिफ हो हक का इनाद रखने वाला हक को पहचान कर फिर उसका इनकार कर देने वाला अल्लाह की इताअत से फिरने वाला हक को पहचान के उससे इनकार करना बहुत नापसंदीदा अमल है पिछली अक्वाम शैतान क्यों रांधे दरगाह हुआ हक हाँ को जानते हुए उसने इनकार किया पिछली अखवाम की भी यही बात थी तो जो भी आयात का इनकार करता है उसकी ये सजा है कल्ला इन्ना हु आयात इना अनीदा सऊर साऊदा और जहन्नम के शदीद अजाब किसके लिए होंगे वस्तफ तहु वकुल जब्बारिन अनीद जो सख्त नाद रखता हो नाफरमानी पे डटा हुआ हो जिद्दी हो वही सख्त झूठा हो गुनागार हो फिर इसी तरह हदीस में भी आता है कि जहन्नम की गर्दन ज़ाहिर होकर जब्बार बार उनद को ढूंढेगी क्यामत के दिन जहन्नम से एक गर्दन बाहर निकलेगी जिसकी दो आंखें होंगी जिनसे वो देखती होगी दो कान होंगे जिससे सुनती होगी जबान होगी जिससे वो बोलती होगी वो कहेगी मुझे तीन किस्म के लोगों पर मुसलत किया गया कुल्ला जब्बार नीत सरकश इनाद रखने वाले पर हर उस शख्स पर जो अल्लाह के साथ दूसरों को महबूद बनाए और तस्वीरें बनाने वालों पर जो हाथ से वो बनाते हैं और एक और रिवायत में आता है जिसने किसी जान को नाहक कत्ल किया उस पर वो मुसलत हो जाएगी और वो उनको लपेट के जन्नम के अंदर करेगी तो इसकी वजह क्या होती है इंसान हक को जानते हुए क्यों नहीं मानता क्या वजह होती सबसे बड़ी वजह तकबर यस फिर है दुनिया की मोहब्बत दुनिया अपने अंदर इतनी कैंचे हुए है कि इंसान को आखिरत भूली हुई है तो गुनाहों पर डटे रहना दुनिया में अगर कोई सजा मिली कोई तकलीफ आई तो एहसास ही ना करना नदामत ही ना होना अल्लाह की तरफ पलटना ही नहीं तो करने का काम क्या है हमारा हक बात सुन के उसको तस्लीम कर लें ना व अता ना कहें अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाया करें अल्लाह का बंदा बन के रहें और जहनम वाले की क्या सिफात है मना मुरीब जो खैर को बहुत रोकने वाला हद से गुजरने वाला शक करने वाला है ये जहनमे की सारी सिफात अब यके बाद दीगरे बताई जा रही हैं मन्नाइल लिल खैर बहुत ज्यादा रोकता है खैर के कामों से ईमान लाने से इस्लाम लाने से नमाज पढ़ने से अर अरायता अबदन वो क्या आता है अरायता लजी यनहा अबदन इजा सल्ला अबू जहल के बारे में आता है और वलीद बिन मुगिरा के बारे में आता है मन्नाइल लिल खैर मौतदन अफिम फिर इसी तरह खैर से मुराद यानी खैर का हर काम ही है ठीक है और खैर से मुराद कुरान में माल भी है यानी माल खर्च करने से रोकता है लोगों को का खैराज से रोकता है खुद भी नहीं करता और दूसरों को भी रोकता है तो ईमान से भी रोकता है अपने माल और बदन से के नफे से दूसरों को रोकता है माली हुकूक अदा नहीं करता जो उसके जिम्मे होते हैं किसी का लेना देना कुछ लोग खैर के ताले होते हैं उनके पास अगर कोई खैर हो तो उसको ताला लगा के रखते किसी को नहीं देते इल्म हो माल हो कुछ हो कुछ नहीं देना किसी को हवा ना लगे मोतदिन हद से बढ़ने वाला और मोतद वो होता है जो अपनी झाराज और ख्वाहिशात की खातिर सारी हदूद फलांग देता है दूसरों पर म करता है यानी सिर्फ खैर के कामों से रोकता ही नहीं उन पर जुल्म भी करता है या फिर जहाँ मर्जी होती है वहाँ खर्च करने में हद से बढ़ जाता है फजूल खर्च अपने सारे मामला में हद से बढ़ने वाला है मुरीब मुरीब शक में पड़ा हुआ या शक में डालने वाला दोनों माने हैं यानी जिन बातों पर ईमान लाना जरूरी है उनके बारे में शक में और फिर ये शक के जरासीम में भी फैला रहा है औरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है औरों को भी शुकु को शुभहात में डालता है उधर खैर से रोकता है इधर शक में डालता है तो चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं है शक में है इसलिए खैर के काम भी नहीं है तो यहाँ माल ना खर्च करने वालों की भी मजम्मत की जा रही है बुखल करने वालों की और खास तौर पर खैर में खर्च ना करने वालों की तो करने का काम क्या है इंसान को खैर के काम ज्यादा करने चाहिए माल अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और शक से निकलना चाहिए हद से नहीं बढ़ना चाहिए हर चीज के अंदर इतादाल इख्तियार करना चाहिए माल को गिन गिन के नहीं रखना चाहिए अल्लजी जमा मालुम व अददा हम इसराफ और तबजीर से भी बचना चाहिए फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं और आखिरी सफत क्या अल्लजी जाअलम अल्लाही इलाहाना आखारा फालकियाहू फिल अजाबिश शादीद जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया सो दोनों इसे बहुत सख्त अजाब में डाल दो यानी यह शख्स शिरक भी करता था एक है शिरक अकबर जो बुतों को मबूद बनाया हुआ है और इलाह बनाने की दूसरी सूरत है हर वो चीज जिसके पीछे इंसान इतना लग जाए कि अल्लाह ताला के हकूक भूल जाए बंदों के हकूक भूल जाए कुछ लोगों के लिए उनका कारोबार अला होता है कुछ लोगों के लिए उनका नफ्स इला होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरमाया था इस दीनार।, दीनार सोने के होते हैं सोने का बिजनेस करने वाला अब्दुल अब्दुलदराम चांदी का बिजनेस करने वाला दरहमों का बंदा गुलाम अब्दुल खमीसा इससे मुराद कपड़ों का ताजर खमीसा खूबसूरत कपड़े को कहते हैं जो नक्शो नगार वाला होता है अब्दुल कतीफा बिस्तर बेचने वाला यानी ये मुख्तलित कारोबार करने वाले लोग हैं जो अपने कारोबार में इतने गुम हैं कि उनको आखरत भूली हुई है या फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं फिर इसी तरह रियाकारी भी एक तरह का शिरक है शिर के असगर قال ما ولكن كان في करीन रबी उसका साथी शैतान कहेगा ए हमारे रब, मैंने इसे सरकश नहीं बनाया दूर की गुमराही में था ये शख्स दावा करेगा कि उसके करीन ने इसको सरकशी में मुबतला किया अपना इल्जाम किसी और पे डालेगा जैसे दुनिया में कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो वो दूसरों को मुजरिम करार देता है मुलजम बना देता है तो वो करीन कहेगा ना ना मैं मैं नहीं मैंने नहीं बहकाया इसको ये तो खुद ही यानी करीन से मुरात फिर वो शैतान जो उसे गुमराह करता रहा क्योंकि वह मैया जिक्र रहमान विक्र रहमानक़लू शैतानन फ़हअल लू करीन जो रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर लेता है हम उस पर एक शैतान मुसलत कर देते हैं वो उसका साथ ही बन जाता है फिर वो उसके अंदर विस्परिंग करता रहता है तो हर इंसान के साथ एक जिन है तो वो कहेगा मैंने नहीं इसको बहकाया हालांकि पहले कह रहा था कि यह है हाजिर

और वो मिलकर रहेगी मैंने तुम्हें पहले ही डरा दिया था खबरदार कर दिया था मा युबल कउलिया मिल्ल अबीद मेरे यहां बात बदली नहीं जाती और मैं बंदों पे हरगिज कोई जुल्म ढाने वाला नहीं हूं यानी जो मेरा फैसला है वो फैसला है तुम्हारे रोने धोने और लड़ाई झगड़े से वो बदलने वाला नहीं जो फैसला अल्लाह ने करना था वो कर दिया हुआ है और ये माब्ल्लाम ज्लाम फल के वजन पर है मुबालग के सीगे के साथ नफ़ी की गई है कि अल्लाह जल्लाम नहीं है यानी अल्लाह ताला त छोटा जुल्म करता है ना बड़ा जुल्म करता है अल्लाह ताला को ज़र्रे बराबर भी जुल्म नहीं करता इन्जल मुन्नासैया तो कहते हैं कि मुबालगा का सीगा क्यों लाया गया बास कहते हैं कि बंदों की कसरत की वजह से और गैर मुस्तक पे अगर अजाब वाकई हो जाए तो ये बहुत बड़ा होता है तो अल्लाह ताला ऐसा भी नहीं करने वाला कि ऐसे ही किसी को पकड़ ले अल्लाह ताला अपनी ज़ात से जुल्म की नफ़ी करता है वला अजलमर का अहदा जैसे सूरत कहाफ में आता है हदीस में भी आता है अल्लाह तत पे म को हराम करार दिया है अल्लाह तर्रे के बराबर भी किसी पर म नहीं करेगा इन अल्लाह लाजलमत व इन तक हसनता उदाइफ और किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा और मामूली समझ के की जाने वाली नेकियों पे भी बदला ज़रूर मिलेगा मैं अमल मिसरतन खैर यारा जर बराबर भी नेकी होगी उसका भी बल्कि कई गुना बढ़ा के अजर देगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए दुनिया में ही उस घर की तैयारी करनी चाहिए और आखिर से गाफिल नहीं होना चाहिए और अल्लाह के अदल पर यकीन होना चाहिए जितनी आयात रहती हैं उनकी तिलावत लगा दें बस ونفخ في الصور ذلك يوم सॉरी थोड़ा टाइम ऊपर हो गया लेकिन मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकती थी बीच में क्योंकि ये एक ही मजमून था और इसको मुकम्मल करना जरूरी था इनशाला जो चीज़ें बीच में डिस्कशंस की रह गई हैं वो कल हम इनशा वक़ात तद करेंगे तो उसमें आ जाएंगी इन शाल जजाक खैर सुबह नमदिका अशदअुल्ल अंत अस्त फ़िर व अतुबालाई असल वरम्त लबरक لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد